वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण अमित मोहन प्रसाद ने कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यों की समीक्षा की और 11 और 12 फरवरी को होने वाले वैक्सीनेशन को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। गोरखपुर के NIC हॉल में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे सहित अन्य चिकित्सक मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सभी फ्रंटलाइन वर्कर और स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन कराया जाए, कोई भी संबंधित व्यक्ति कोरोना वैक्सीनेशन से छूट ने ना पाए। ऊपर के हेल्थ केयर वर्कर है जो 50 से ऊपर के का चलेगा उस समय वो कंसिडर होंगे, उसके नीचे वाले जब उनका नंबर आएगा। आज तो कोई हेल्थ केयर वर्कर अगर 22 वर्ष का भी है तो उसको भी हम वैक्सीन दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं कि जब एज अप्रोप्रिएट ग्रुप आएंगे तो वो फ्री मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, और बाद में सोचा कि मुझे वैक्सीनेशन करवाना है। तो जब एज अप्रोप्रिएट ग्रुप में जाएंगे तो जो एज अप्रोप्रिएट ग्रुप के लिए जो भी व्यवस्था भारत सरकार बनाएगी वो व्यवस्था लगेगी। उनको जो मॉपअप हो रहा है उसमें अपना अवश्य ये मैसेजिंग करेंगे, बड़े क्लियर मैसेजिंग होनी चाहिए। और जो आपके सेशन है सेकंड डोज वाले उनको सेपरेट अच्छा चर्चा और होगी। तो एक तो 11 तारीख और 12 तारीख के जो आपके सेशन है अभी इनमें बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। 11 के जो मुझे बताया गया है कि करीब 1600 सेशन अभी तक बने हैं, जबकि आपको लगभग 2000 या उसके आसपास सेशन बनाने होंगे। तो ये 1672 सेशन अभी मुझे बताया गया कि 340 तक हुआ है। अब आपका कल सेशन है, अब आपका सेशन ही नहीं बना है अभी तक, तो फिर ये मुश्किल होगी क्योंकि उनको सूचना नहीं जा पाएगी। सूचना नहीं जाएगी तो फिर टर्न आउट कम होगा, वो लोग टर्न अप नहीं होंगे तो आपका परसेंटेज आपका डाउन होगा। तो ये जो चीज है ये आप लोग ठीक से इसको हैंडल नहीं कर पा रहे। 7 लाख का ग्रुप है फ्रंटलाइन वर्कर का, जब इसको आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तब आप ये सोचिए कि जब ये 3.75 करोड़ का जब आएगा ग्रुप तब कैसे हैंडल करेंगे। 50 साल से ऊपर वाले जो है 3.75 करोड़ करीब आबादी है उसको कैसे हैंडल करिएगा। अगर अभी आप अभी आपके सप्ताह में केवल 2 दिन किया जा रहा है उसमें आपकी स्थिति इतनी खराब हो जा रही है, तो अधिकांश राज्य जो है सप्ताह में 4 दिन कर रहे हैं। अगर यहाँ अपने यहाँ मैं 4 दिन प्रारंभ करवाऊं तो आपकी क्या स्थिति होगी। तो ये जो चीज है जो आपके कोविड पोर्टल पर सेशन क्रिएट करने वाला जो है ये शुरू से जो थोड़े सेशन करके हो रहे हैं ये इसीलिए था कि आप अब तक इसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं।